एवरीवन मोस्ट वेलकम टू आवर YouTube चैनल वेट बाय का कैंप। आज हम रोमिनेंट का डाइट चार्ट के ऊपर कैसे प्लान करते हैं वो देखेंगे। रोमिनेंट में हम काऊ और बफेलो का देखेंगे, काऊ एंड बफेलो जिनको हम लार्ज रोमिनेंट भी कहते हैं। तो हम इस वीडियो में कैसे क्या प्लान करते हैं, कैसे कौन कौन सी कैटेगरीज मेनली यूज करते हैं और आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है वो हम सारा कुछ बताएंगे उस। और ये हम वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चार्ट कैसे क्या होता है, उससे पहले हम कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इंडिया में पहली बार सेन और रॉयल थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडियन स्टैंडर्ड बनाए थे डेयरी कैटल के लिए, जो कि किस पे बेस थे, मॉरिसन वैल्यू पे बेस थे। मॉरिसन एक साइंटिस्ट था जिसने वेस्टर्न ब्रीड कैटल पे बनाया था कि कौन कौन से क्या स्टैंडर्ड होते हैं, कितना क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो वेस्टर्न ब्रीड होती है और इंडियन ब्रीड में काफ़ी अंतर होते हैं। जो हमारी इंडियन ब्रीड होती है उसकी साइज कम होती है, उसका बॉडी वेट कम होता है, उसकी हाइट कम होती है और प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है, और इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी काफ़ी वेरिएशन है। तो उसको बेस बनाकर सेन और राय ने फर्स्ट टाइम इंडिया में कैटल के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया था, इंडियन स्टैंडर्ड। ये आपको की पॉइंट इसका, इंडियन स्टैंडर्ड बनाए थे डेयरी कैटल। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट इन ड्राई एनिमल फॉर मेंटेनेंस इज लो। लो होती है कितनी होती है, 61 to 104, और लैक्टेटिंग एनिमल की हाई होती है कितनी होती है, 113 to 160। और हाई क्यों होती है, क्योंकि उसमें पीएमआर रेट बहुत ज्यादा होती है, मेटाबॉलिक रेट। अगला पॉइंट है एनपीएन कंपाउंड, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज यूरिया can be used to replace about 30% protein। तो हम यूरिया को यूज कर सकते हैं जो कि 30% प्रोटीन रिक्वायरमेंट को रिप्लेस कर सकता है। इंडिया में TDN सिस्टम काफी पॉपुलर है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था TDN सिस्टम इज मोर पॉपुलर इन इंडिया, क्योंकि जितने भी एनिमल फीड है उसमें TDN सिस्टम को यूज किया ही जाता है। अगला है बफेलो मैनेज टू डाइजेस्ट फाइबर मोर एफिशिएंटली देन कैटल। जो हमारी बफेलो होती है वो एफिशिएंटली फाइबर को डाइजेस्ट कर लेती है कंपेयर टू कैटल, क्योंकि बफेलो का साइज बड़ा होता है तो उसका रूमेन का वॉल्यूम भी साइज बड़ा होता है, वो एफिशिएंटली रूमिनेशन कर पाती है। हमारा अगला पॉइंट है डीसीपी सिस्टम प्रोटीन की वैल्यू बताता है, डाइजेस्टिबल ग्रोथ प्रोटीन सिस्टम, लेकिन उसमें एक समस्या है, उसकी एरनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आजकल उसका एक अल्टरनेटिव अप्रोच आ चुका है जिसमें हम यूज करते हैं एमपी सिस्टम, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोटीन, उसकी एरनेस काफी कम होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये हमारा अगला पॉइंट है एट बर्थ काफ इज गुड एज नॉन रूमिनेंट एनिमल। जो हमारा न्यू बॉर्न काफ है उसको हम नॉन रूमिनेंट एनिमल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय उसका रूमेन बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है, और इस स्टेज को प्री रूमिनेंट स्टेज भी कहते हैं, जो कि जन्म से लेके अगले 3 महीने तक रहती है, इसको हम प्री रूमिनेंट स्टेज बोलते हैं। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हम काफ का डाइट चार्ट प्लान देखेंगे तो वो अलग होगा। क्यों अलग होगा, इसका रीजन यही है क्योंकि उसका रूमेन डेवलप नहीं होता है इस वजह से। अगला पॉइंट है यूरिया मोलिसिस मिनरल ब्लॉक होते हैं, जो कि एनपीएन कंपाउंड का रिच सोर्स है। तो उसका क्या कंपोजिशन होती है वो देख लेते हैं, उसमें मोलिसिस होता है 45%, यूरिया होता है 15%, मिनरल मिक्सचर होता है 15%, और सॉल्ट होता है 8%, ये मोटा मोटा होता है उसमें, और बाकी कैल्साइट पाउडर भी होता है 4%, बेंटोनाइट होता है 3%, और कॉटन सीड मिल्क भी होती है 10%। आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो हम देखते हैं जो लो यील्डर होता है उसका बॉडी वेट होता है 350 kg, और मिल्क करता है उसकी पर डे की कहती 1 to 7 kg। एक होता है मीडियम यील्डर, उसका बॉडी वेट होता है 400 kg, और इसका मिल्क यील्ड होता है 8 to 14 kg।
और एक होता हाई यील्ड जिसका बॉडी वेट होता है 450 kg और मिल्क यील्ड होती है 15-21 kg। ये हम जब चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लो यील्ड कौन सा होता है, मीडियम यील्ड कौन सा होता है, हाई यील्ड कौन सा होता है। हम चार्ट में से ये देखते हैं बॉडी वेट इतना है तो मिल्क यील्ड कितना होता है इतना देखना होता है। और इन केस बफेलो बफेलो हम देखेंगे तो बफेलो में लो यील्ड स्टार्ट होता है 400 kg से, मीडियम होगा फिर 450 और हाई यील्डर होगा 500 kg। ठीक है, जो हमारा राशन होना चाहिए वो शुड बी हाई डाइजेस्टिबल फीड इंग्रेडिएंट, जिसमें जो फीड इंग्रेडिएंट है उसमें हाई डाइजेस्टिबल होना चाहिए। जैसे कि हमारा कोई फीड है उसका सीपी तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो डाइजेस्टिबल नहीं है तो कोई काम का नहीं है। अगला पॉइंट है इफ फीड अनपैलेटेबल देन एट सॉल्ट एंड मोलासेस, अगर जो हम खाना दे रहे हैं वो खाने योग्य ही नहीं है, टेस्टी नहीं है तो उसका देने का मतलब नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो उसमें आप सॉल्ट और मोलासेस बढ़ा सकते हो जो कि खाने की पैलेटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट है लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर आर रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम, जो लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर होती है वो प्रोटीन और कैल्शियम का रिच सोर्स होती है। आगे चलते हैं फूड चेंजेस इन डाइट मस्ट बी ग्रेजुअल एंड स्लो, जो हम फूड चेंज करते हैं डाइट में वो ग्रेजुअल और स्लो होना चाहिए, अदरवाइज रूमेन में टिम्पेनाई वगैरह हो सकती है। इसका खास ध्यान रखें कि ग्रेजुअल और स्लो होना चाहिए, अचानक से कुछ चेंज नहीं करना धीरे धीरे। अब हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल डाइट कितना देना है तो उसका भी एक देख लेते हैं कितना क्या कॉम्पिटिशन होना चाहिए। उसमें 2/3 तो होना चाहिए रफेज और 1/3 होना चाहिए कंसिस्टेंट, और रफेज में भी 3/4 ड्राई रफेज होना चाहिए 1/4 ग्रीन रफेज होना चाहिए। जो हमारी केटल होती है उसको डेली 2-2.5 kg ड्राई वाटर चाहिए। अगर 100 kg बॉडी वेट की अगर गाय है तो उसको 2-2.5 kg ड्राई वाटर चाहिए। ठीक है, और बफेलो में 2.5-3 kg पर 100 kg। अगर 100 kg की बफेलो है तो 2.5-3 kg ड्राई वाटर उसको चाहिए। चलिए अब डाइट चार्ट प्लान को डिस्कस करते हैं। हमने अभी सारे डिस्कस मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं तो अब देखते हैं डाइट डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ कैटल एंड बफेलो। तो मेंटेनेंस का देखेंगे सबसे पहले तो बॉडी वेट ड्राई फीड, ये हमने कैटेगरी देख ली है पहले ही, सीपी डाइजेस्टिबल प्रोटीन मेटाबॉलिजेबल एनर्जी मेगा किलो कैलोरी, टीडीएन टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट कैल्शियम एंड फास्फोरस यूनिट पता होनी चाहिए ड्राई में केजी ग्राम मेगा किलो कैलोरी केजी ग्राम ग्राम। ठीक है, तो अगर बॉडी वेट 200 kg हुआ काउ का कैटल का या बफेलो का उसकी ड्राई फीड रिक्वायरमेंट कितनी होगी 3.5 डीसीपी 150 मेटाबॉलिज्म एनर्जी 6 मेगा कैलोरी टीडीएन 1.7 kg कैल्शियम 8 ग्राम फॉस्फोरस 7 ग्राम। 400 का देख लेते हैं 400 kg होगा तो 5.5 kg ड्राई फीड देना है, डीसीपी 250 होगा मेटाबॉलिज्म एनर्जी 10.8 टीडीएन 3 कैल्शियम 17 फॉस्फोरस 13 ग्राम। अगर केटल का वेट 600 kg हुआ तो ड्राई फीड 7.5 डीसीपी 350 मेटाबॉलिज्म एनर्जी 15.5 टीडीएन 4.2 कैल्शियम 22 एंड फॉस्फोरस 17 ग्राम। तो आप देख सकते हो वेट हमने डबल किया मतलब 200 से 400 400 से 600, तो हमारा जो फीड है वो भी डबल हो रहा है 3.5 टू टाइम बढ़ गया 5.5 और 2+8 हो गया मतलब 2+7.5 इसमें भी यही सीन है 100+ हो रहा है। अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें भी 100+ हो रहा है 250 to 350 इसमें मेगा किलो कैलोरी में इसमें अप्रोक्स 5 का एड हो रहा है 6 से 10.8 11 मान सकते हो और इसमें भी अप्रोक्स 5 का एड हो रहा है। टीडीएन में भी वही है 1.7 जस्ट डबल फिर उसका 3 का 1.5 का एड हो रहा है और इसमें 1.5 का एड हो रहा है। कैल्शियम का भी वही है 8 अप्रोक्स 10 एड हो रहा है इसमें 5 तो ये सबका सीन है। अगर आप कंपेयर करना पड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस
इसका देखा मेंटेनेंस ये काम होता है। चलिए अब लास्ट टू मंथ ऑफ जेस्टेशन का देखते हैं उसमें क्या डाइट चार्ट प्लान होता है। तो हम इसमें दो बॉडी वेट ले रहे हैं, एक तो 400 केजी का और एक 600 केजी का। तो ड्राई फूड कितना होना चाहिए 7.2 केजी, डीसीपी कितना होना चाहिए 350 ग्राम, मेटाबॉलिज्म एनर्जी कितना होना चाहिए 14.9 मेगा कैलोरी, टीडीएन कितना होना चाहिए 4 केजी, कैल्शियम कितना होना चाहिए 23 ग्राम, फास्फोरस कितना होना चाहिए 18 ग्राम। तो अगर बॉडी वेट 600 केजी है तो ड्राई फूड कितना होना चाहिए 10 केजी, डीसीपी कितना होना चाहिए 500 ग्राम, मेटाबॉलिज्म एनर्जी कितना होना चाहिए 202 ग्राम, टीडीएन कितना होना चाहिए 5.6 केजी, कैल्शियम कितना होना चाहिए 34 ग्राम और फास्फोरस कितना होना चाहिए 26 ग्राम। अब कंपैरिजन देख लेते हैं तो 3 प्लस इंक्रीज द्वारा अगर 200 केजी बॉडी वेट बढ़ाया तो इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो 350 का ऑलमोस्ट 150 प्लस बढ़ाया है। तो अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। तो ये था किसका टू मंथ ऑफ जेस्टेशन, मतलब जेस्टेशन पीरियड ही मान सकते हैं आप, उसमें आपको ये डाइट देनी पड़ती है क्योंकि उस समय जो जो काउ होती है कैटल होती है उसका बॉडी वेट 25 से 30 केजी बढ़ाना होता है। तो उसमें उसमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें काफ़ी मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए। तो उस हिसाब से ड्राई फीड केसी भी सब बढ़ जाता है सारे के लिए। चार्ट प्लान हमने देख लिया है ताकि बाईपास प्रोटीन फीड का भी देख सकते हैं उसमें कितना क्या होता है। उसमें सीपी होता है 22, सीएफ होता है 10, कैल्शियम होता है 1 ग्राम, फास्फोरस 12 ग्राम, पोटेशियम 5 ग्राम, बाकी मॉइस्चर वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और उन्हें कुछ भी नहीं जाना। और यूरिया मोलेसिस का कंपोजिशन मैंने आपको पहले बता दिया था और इसका देख लेते हैं। सीपी होता है 52, रूट फाइबर होता है 2, कैल्शियम होता है 4 और फास्फोरस अवेलेबल होता है 1.5। इसी के साथ हमने सारे डोमिनेंट चार्ट देखे।